I have had the privilege of knowing you personally for a long time, and I watched your career. Now, you come across, and everybody who's listening here, bade balanced vyakti hai, theek se plan kar rahe hai, strategy hai, Assam ki economy badh rahi hai, main bhi Hindi mein try kar raha hu. Kuch grammatical mistake ho to bata dijiye. Hona chahiye mistake thoda. Main dil saaf hai. Zaban saaf nahi ho, magar dil saaf hai. To main kehta hu ki लोग कहते हैं कि देखिए ये 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 डुअल पर्सनालिटी है हिमंत बिस्वा शर्मा का. मैम लेट मी एक्सप्लेन दैट यू हैव अ डुअल पर्सनालिटी. एक तो एज अ चीफ मिनिस्टर वेरी गुड, वेरी रैशनल, थिंकिंग अहेड, इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट, टॉकिंग टू द राइट पीपल, यू नो यू आर रनिंग द स्टेट वेरी वेल. बट व्हेन इट कम्स टू, एंड आई विल स्पीक डायरेक्टली, व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी, then people feel you are anti-Muslim. Are you anti-Muslim? I mean, क्या आप anti-Muslim हैं? Let me, इससे मैं घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछ रहा हूं. आप देखिए, आप इसको सोच लीजिए. आप देखिए, I am anti-OAC or anti-Rahul Gandhi. But when it comes to the Muslim people, I'll request you, give me a camera and a cameraman. Let us together travel to the Muslim population in Assam and you will see how much love and affection I have from them. No, but that is, you are saying it. But your vichardhara hai. See, I am not saying it. I am asking you. You don't be defensive on it. Kun sa vichardhara? Aapka vichardhara, jo aap jo bolte hain, jis tarah se bolte hain aap, jis tarah se aap baatein karte hain. Do sadiyan nahi karna sahi hai. Nahi, aap bolte hain madrasa band kar do. Band karo na. Madrasa band kar do. Nahi, hamesha हर जगह जाके किसी और को ठेस देना और कहना मदरसा बंद कर दो. आसाम के पॉपुलेशन में कितनी परसेंटेज मुस्लिम, मोर देन 30%, आप जाके बोल रहे हैं मदरसे बंद कर दो. आप देखिए, मतलब आप किसी को नहीं, आप मुस्लिम बोलने से किसको मानते हैं? मेल एंड फीमेल दोनों को मानते हैं मुस्लिम? हाँ जी, मुस्लिम मेल और फीमेल दोनों को मानते हैं. ऑब्वियसली, तो मैं जब बोलता हूँ कि भाई आप दो शादी मत कीजिए, तो मेल नाराज हो जाते हैं, फीमेल तो खुश हो जाते हैं ना. हमें जब जाके बोलता हूं कि आप तलाक मत करवाइए, आप सब्सिस्टेंस दीजिए, कोर्ट से जाके आप डाइवोर्स लीजिए, मां तो खुश होता है ना. एट द एंड ऑफ द डे हमारा तो जन्म मां का कोख से ही तो हुआ है ना. आप देखिए बात को घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं. मैं नहीं घुमाया. तो वो हमारा जिंदगी, वो कहेंगे मेरी मर्जी है. हिमंत बिस्व शर्मा हर दिन सुबह, देखिए हर दिन सुबह हमारे एक कस्टम को अटैक करते हैं. नहीं, ये कौन सा कस्टम, किसने बनाया हुआ कस्टम? कुरान ने तो ये कस्टम नहीं बनाया. होली कुरान में ये कस्टम नहीं लिखा गया है. ये कस्टम ये दो सर दलाल जो होता है वो बनाने वाला कस्टम है. जो कस्टम हजरत मोहम्मद बना के गया है, कुरान शरीफ में है, इसको आप सम्मान करना चाहिए. एंड वन शुड रेस्पेक्ट द होली बुक्स ऑफ एवरी रिलीजन. लेकिन जो बीच का दलाल लोग है उनका आप क्यों इतना मानते हो? किसको आप दलाल? जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम बहनों का तलाक का बाद उनको सब्सिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए. ये किसने कानून बनाया? ये कानून किसने बनाया? ये कानून तो कोई रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं है. ये कानून है, कानून है आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935. कानून मेरा असेंबली ने बनाया था, मैं असेंबली में ही खत्म कर दिया. आपके जिसने बनाया उसी ने खत्म कर दिया. तो अगर कोई कहे हिमंत दा, देखिए अगर कोई कहे ये अप्रोच जो है, नहीं जो एक मिनट, ये जो अप्रोच है, सॉरी सर, मुझे ये एक मिनट, नहीं देखो ये थोड़ा सा मैं आपको एक बात बोल अप्रोच है, आप बोलिए, मैं आपको एक मेरी बात बोलने दीजिए. ये जो मुस्लिम रजिस्ट्रेशन कानून था, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, ये हजरत मोहम्मद ने नहीं बनाया था, ये सैयद सार मोहम्मद सादुल्ला ने बनाया था जो CM था. जी, तो मैंने सादुल्ला का कानून को मैंने निरस्त कर दिया. लेकिन आई हैव नॉट टच एनीथिंग ऑफ होली कुरान. मगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते ना. वो कहते हैं आप एक में बात करने दीजिए, मैं उनकी बात रख रहा हूं. ये मेरी बिलीफ नहीं है, ये कोई गलत फहमी नहीं हो लोगों में. वो कह रहे हैं कि ये तरीका होता है. एक मिनट मेरी बात सुनिए हिमंत, एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है. ये हिमंत बिस्व शर्मा का अप्रोच अनडेमोक्रेटिक है जो चल रहा है. हमें बुलाइए, हमसे बात कीजिए, बदरुद्दीन अजमल को बुलाइए, उनकी पोलिटिकल पार्टी है,
लोगों से बात कीजिए, कमीशन लगाइए, लॉ कमीशन लगाइए, रिकमेंडेशंस लीजिए, तरीके से बात कीजिए। ये जो आपका माय वे और द हाईवे अप्रोच हो गया, नहीं नहीं नहीं, माय वे और द हाईवे अप्रोच जो आपका है, जो है वो लोग कह रहे हैं आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुलकर कह रहा हूं आप पोलराइज करना चाहते हैं वोट को। देखिए, यू वांट टू पोलराइज द वोट। आई टेल यू, इज इट आई टेल यू 2.3 पॉइंट क्लियरली। ये कानून में क्या लिखा था कि छोटे बच्चा का भी विवाह होते हैं तो जो काजी बोलते हैं दे कैन रजिस्टर द मैरिज एंड दैट मैरिज बिकम लीगल। ये कानून में वो लिखा हुआ था। हमने जो बाल विवाह का खिलाफ काम किया, हाई कोर्ट एनलर्स मेनी ऑफ देम ऑन बेल सेइंग दैट इन मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ साइल मैरिज इज जेन्युइन एंड इट इज अ बोनाफाइडी, इट इज लीगल, सो यू कैन नॉट अरेस्ट। सो देन हमने जाके कानून को जो असेंबली ने पारित किया था उसी असेंबली से हमने खारिज किया, और बाद में खारिज करने का बाद सबसे तो मसूरा होते ही रहता है। खारिज करने के बाद आप बात करेंगे। ऐसी बात होगी कि 370 निकाल दीजिए उसके बाद आप बुलाइए हुरियत को। बात ही बात कीजिए, पहले बात मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाएगा। अब व्यूअर्स, दिस इज हम वी आर टॉकिंग अबाउट भारत द नेक्स्ट डेकेड। आप कभी भी जब निर्णय लेना होता है, अगर 370 कानून को खत्म करने का पहले अमित शाह जी सबका साथ सरसा करते थे, क्या 370 विलुप्त हो जाते थे? ये कोई कोई बात आप कन्विक्शन और प्रिंसिपल में चलो कि ये देश में साइल मैरिज नहीं होना चाहिए। That is the main conviction. Once you have that conviction in your mind, रास्ता में जितना भी रुकावट है हटा के चला जाओ। और कोर्ट में चली जाए, बात कोर्ट में चली जाए तो कोई इशू नहीं है। आपको कन्विक्शन, कोर्ट तो हर चीज में घुस रहे हैं आज। नहीं नहीं, देखिए कोर्ट का अपना एक अंदाज है, हम कोर्ट का बात कोर्ट में डिस्कशन कर लेगा, आपको तो वो कोर्ट में चलेगा। बट आपको एज ए, मेरा जो मानना है कि हमारा पहले कन्विक्शन होना चाहिए कि 370 जाना चाहिए, फिर अगर आप वो कन्विक्शन में फार्म है तो कैसे जाना चाहिए लोगों को मत बुलाइए, खत्म करने का बात बुलाइए। भाई खत्म कर लिया, अभी बात करो कैसे क्या आगे करना है। दिस इज अ रिमार्केबली यूनिक अप्रोच। नहीं, वही न्यू इंडिया है। दिस इज न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, यही न्यू इंडिया है। आई टेल यू, दिस इज द डिफरेंट लेवल ऑफ पोलिटिकल इनकरेक्टनेस। देखिए, बट आई लाइक योर स्टाइल। देखिए, जो भी है बोल रहे हैं, ये नहीं कि इधर भी उधर भी थोड़ा इधर। लोग बोलता है कि सरसा करो, हर किसको सरसा करे, व्हेन यू नो देयर पॉइंट ऑफ व्यू। हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानता है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ठीक है आप 18 साल छोड़ दीजिए, 16 साल में रजिस्टर करवा लीजिए। कोई बोलेगा 12 साल, कोई बोलेगा 18 ईयर्स, देन यू कम इन टू कॉम्प्रोमाइज ऑफ 16 ईयर्स। ऐसा डिस्कशन नहीं होता, यही गलत है भारत का। आप पॉइंट ठीक कर लीजिए कि ये देश को विश्वगुरु बनाना है, ऑन दैट वी आर यूनाइटेड। जब बनाना है तो मोदी जी को छोड़ दीजिए ना, बना लेगा। तो फिर आपका साथ सरसा करने, आपका स्टाइल कुछ अलग है। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी जी आपके दोस्त आए आसाम में, और आसाम आपने कुछ, आपके झगड़ा हो गया, आपने उनको रोक दिया, आपने उनको जाने नहीं दिया, ये वो, उन्होंने आपको कई कॉम्प्लीमेंट्स दिए, उसके 2 दिन के अंदर आपने पूरे कांग्रेस पार्टी को बीच से तोड़ दिया असम में, और आपने कहा ये मेरा रिटर्न गिफ्ट। यू सेड व्हाट इज इट, इट इज माय रिटर्न गिफ्ट। कोई बात बोलिए, रिटर्न गिफ्ट ही बोलिए, बर्थडे में गिफ्ट देने से आपको यू गेट अ रिटर्न गिफ्ट ऑल्सो। क्या चल रहा है आपके? आप देखिए राहुल, इट्स अ लॉन्ग राइवलरी। मेरा बात अलग था, मैंने राहुल गांधी जी को बोला था, आई हैव रिक्वेस्टेड हिम थ्रू डिफरेंट चैनल, कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो समय आप असम का मंदिर में मत आइए। देन इट्स लुक्स लाइक देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन राम एंड श्रीमंत शंकर देव। आई मेड हिम ए वेरी वेरी बोनाफाइड जेन्युइन रिक्वेस्ट, प्लीज अवॉइड 10 to 12 PM When there is a Pran Pratistha Mahotsav of Ram Mandir, you do not enter Ma Kamakha temple, or you do not enter the Bhattadrava Satra. Come after 3 hours. He become arrogant. Nahi, nahi, hum usi samay jayega. Hum bula, solo abhi desh ke Gandhi ka shasan chal raha hai. Humne thoda dikha diya hai ki ye abhi desh Gandhi ka andar nahi hai. This is a big statement. Nahi, arrogancy has no place.
When it comes to Ram Mandir, when it comes to हमारे आस्था, अगर मेरा घर में कुछ था तो आप कर लो, मेरा कोई आपत्ति नहीं है. But you cannot put Ram against Assam. You cannot put UP against Assam. You cannot put Ajodhya against Srimant Shankardev. Those are bad tricks he wanted to play. So, मैंने आप बोला कि आपको आसाम आने का इतना सखी है. After Lok Sabha election, मैं आपको आसाम बुलाता हूँ. In fact, police has given him notice also. He will come back to Assam. Let him then visit every temple. But ये गांधी वाला रूप नहीं चलेगा. आप उनको invite कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं, the moment he comes, आप उनको arrest करेंगे. वो भी तो जेल भी तो एक देखने का ही चीज है ना. उसमें क्या है? ये थोड़ा सा देखिए, लोग पॉपुलर है, मुझे पता है, सब इधर ताली लगा रहे हैं. आपका और योगी जी का स्टाइल जो है ये बुलडोजर टाइप का अप्रोच है. कोई बुलडोजर नहीं है. जेल क्या, कैन आई पुट इन टू एनीबॉडी जेल? द कोर्ट विल पुट इन टू समबॉडी जेल. मैं तो जेल में डाल ही नहीं सकता हूँ. तो इफ समबॉडी गोज टू जेल आफ्टर आफ्टर लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल प्रोसीड्यूर, तो उसमें हाउ कैन वी स्टॉप इट? आपने असम जाके यू ट्राई टू ब्रेक लॉ एंड ऑर्डर. मैंने आई विल पुट ए सर्च सीट इन द कोर्ट. इफ कोर्ट पुट यू ऑन द जेल, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई एम नो बॉडी. चीफ मिनिस्टर कैन नॉट कंट्रोल कोर्ट. वो तो था एक सीरियस क्वेश्चन. नहीं, ये ठीक है, इट्स अ डिफरेंट अप्रोच. आई मीन ये दिस इज द अप्रोच एंड ही सेज दिस इज द अप्रोच ऑफ न्यू इंडिया. द रेस्पॉन्स सीम्स लाइक यू आर गेटिंग मोर पॉपुलर विद दीज थिंग्स. नो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट. आई आल्सो हैव दिस अप्रोच. दिस शुड हैव बीन अप्रोच बिफोर. दैट्स गुड. अगर ये अप्रोच हो जाते थे तो आपका राम मंदिर 75 साल पहले हो जाते थे. मतलब पीपल हैज टू बी डिसिसिव, नहीं तो काम नहीं होगा. यू हैव टू बी डिसिसिव व्हेन इट इज अ कन्विक्शन. द कन्विक्शन इज शेयर्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, देन यू डोंट स्टॉप. आई अंडरस्टैंड. यू हैव वर्क वेरी 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 हार्ड टू ब्रिंग द नॉर्थ ईस्ट कंप्लीटली इन टू द मेन स्ट्रीम. If there is one leader in the last few decades who has removed to a large extent this sense of alienation of the Northeast, you know, the word alienation in the Northeast, you know, earlier in 1980s, MPs from Assam would always come and say, Center, please give us royalty, please give us royalty. That's changed. Was Manipur a setback? What, I'm asking a straight question on Manipur. Because you said in August 2023 that the situation from Manipur will only come from the heart and not from bullets. And everybody is aware he's the chairman of the Northeast Development Alliance, a congregation of all the NDA parties in the entire Northeast, not only Assam. Now, there was a narrative during the crisis in Manipur, which is a serious ethnic crisis, that the BJP failed. And they said the Manipur crisis reveals the limits of BJP's politics in Northeast. There was an ethnic crisis in Manipur, but it was used to say the entire approach to Northeast, the lookist policies of the Modi government has failed. First, how do you react to this typecasting? B, was there any mistake made in Manipur and is there a solution in sight? You see, the every states of Northeast are not same. Yes. So, in the Manipur crisis also, the crisis is between the two communities. But the most important fact, you will not heard even Meitei criticizing BJP, Kuki also not criticizing BJP. Because they have reconciled to the fact that it is our issue, and when they met us, they said that we are not in a happy mood, but kya kiya jai, this is our issue. What are you maintaining back? I'll tell you. Suppose now government of India is saying that we are going to fence Indo-Myanmar border. Right. Now, on this, Meiteis are welcoming, but Naga, Mizo and Kuki are opposing. So in because they have their people in the Myanmar and they want a free movement. There are a lot of contradiction in the Northeast. And this contradiction are not creation of BJP. These contradictions are there from the beginning. So you are trying to resolve one contradiction after one contradiction. We have resolved Assam. We have resolved Arunachal Pradesh. We have resolved Meghalaya. We have the Mizoram. It was peaceful. It remained peaceful. But the contradiction or the problem in Nagaland, in Manipur,
it is there. Nobody is denying. But the problem is, you can see the love and affection for the Modi. The when national media is playing out the Manipur story, have you ever seen any credible Meitei people criticizing Prime Minister Modi? Have you seen any credible Kuki people criticizing Prime Minister Modi? So the people in Manipur realize that this is not a problem against central government. This is our own internal problem, and I feel that this problem will also be resolved. But it has nothing to do with the BJP. It is not that BJP has suddenly announced certain ordinance, BJP has suddenly passed a bill, or BJP has started a policy decision. That is why the contradiction has erupted. Contradiction is there since hundreds of years. And these are tribal community. Yes. And tribal community has their own way of putting things into rest. They will develop their internal strength to bring solution. Third party hardly has any role. I have both friend in Meitei and Kuki. What they advise me whenever I visit Manipur, Dada, you please stay out. You please stay out? You please stay out, okay, because okay, you stay. They don't want any intervention from the third party. Okay. They want, the tribal people are of that kind of, tribal people has their own strength. They have their own way of looking at things. Mm. And I am sure that what we should do, we should strengthen both Meitei and Kuki so that they can resolve the dispute in between them. From outside, you can maintain law and order, but you cannot bring solution because tribal people will not allow it to be resolved by the third party. It's a very different society, yeah. Difficult society. I agree. But in Manipur, even many people went there and tried their level best, but nobody is issuing a single statement against Prime Minister Modi or Home Minister Amit Shah. That is the most important thing, yeah, because people has no grievances against Delhi. No, I think that I agree with you. One thing, being from Northeast myself, that the analysis of Manipur is oversimplified sometimes. Very, I mean, whenever people don't I even see understand it in TV, the complexities of it is so. It is 100 years of struggle, yes, between the two communities, yes, and people simplify Modi kya kar raha hai, Modi kyun wahan nahi jaate hai. It is not the solution. If the solution would have been that simple, it would have been, then too, we would have got relative peace much before. So, how many seats do you think the Congress will get in this upcoming election? What? How many seats will the Congress get in 2024 in your view? इंडियन क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होते हैं? तो माय ओन विश दैट दे शुड बी रिड्यूस्ड टू अ नंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बट आई एम श्योर माय विश विल नॉट बी फुलफिल्ड. दे विल बी अराउंड 30-40. मेरा तो मन है कि 15 तक सीमित जाना चाहिए, विथ एक्स्ट्रा मैन 12 मैन इतना ही होना चाहिए, बट नहीं होगा. दे विल गो अप टू 30-40. 30-40 makes them a regional party. Is that a good thing? They are already a regional party. It will be now segregated. I am making a prediction. Yes, yes. After staying that party for 22 years, post election, many of the state unit will declare that they are the Kerala Congress, they are the Punjab Congress, they are the Tamil Nadu Congress, they are the Assam Congress. You are not only seeing the declining of Congress, you will also see end of family politics after this election. I think this is the last election where that family cards will be played out and they will be defeated. You're like last anything. Election for the Vadra Gandhi family. I mean, no family politics will now survive in this country after this election, because that will be third consecutive blow. And the family, none of this family has the guts to face third consecutive blow. I feel whether it is in UP, whether it is in Bihar, whether it is in Delhi, all the family politics will come to an end. A new politics will emerge where people will compete for development. Who has built how much kilometer of roads? On that basis, election will be conducted. So, yeh main Gandhi ka photo dekh ke vote deta hoon. आप इंदिरा गांधी जैसा सजा लो तो आपको वोट मिलेगा. दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी नाउ हिस्ट्री एंड इंडिया विल एंटर ए न्यू इरा पोस्ट दिस इलेक्शन. आई एम टोल्ड ऑल द ऑपोजिशन लीडर्स आल्सो लाइक यू एंड
you are involved in many discussions. So, are there any more alliances that BJP will announce? Like, we are hearing about possible alliance with Biju Janata Dal in Odisha. Which are the other alliances that you will possibly enter just before or after the model code of conduct is announced? Because now it's 7th of Mera March. To my yeah. wish will be. Yeah, what is your wish? Except the political parties which are run or decided by a particular family, everybody should join hand with Prime Minister. Because you have to build a India. You have to build a new India. So if we have to go beyond 400, you have to go beyond 400, I think all like-minded people has to come. Who will you go with? You'll go with Chandrababu Naidu or Jagan in Andhra? Take care. My brief is not to go answer into this, but Akali, Badal, but that's also family run. Chaliye, Sarsa to par kar hi lega. So you put the now account. But so, alliances baki hai. Sarsa par hone ke liye, what are the things? Because the seeds has to come from the state. 400 par ke liye aur alliances ki zarurat. Mera itna hi jo thoda main dekh ke bata sakta hu ki the strategy is still what we are seeing. It is still at maybe 75%, 60%. Lot of things are going to happen in days to come, and I believe many people will come to BJP and NDA. That is my belief. I am not part of any discussion, but main dil se chahta hu ki sab log aake Pradhan Mantri Modi ji ka saath jod jaye. That's fantastic. Lastly, Revantada, in last couple of minutes, because we are talking about Bharat the next decade, Hindi mein, English mein, aap apna vision bataiye, agle half decade, one decade, ki log bahut excited hai. Because what we are seeing today, people earlier used to say, 30 years from now, 40 years from now, we will build a dam. Now people are talking about things being done next month, in the next 6 months, performance metrics. So give all our viewers your view of where the country and the state will be. Watch certain things. Abhi Pradhan Mantri Ji, Assam gaya tha 10 din pehle, he inaugurated project worth 16,000 crore. Day after tomorrow, he will again go to Assam, he will inaugurate a project worth 16,000 crore. Yes. On 23rd, he will lay the foundation stone for 30,000 crore investment. You went to Jammu Kashmir, you have seen similar kind of investment. Wherever he is visiting, you are seeing that what kind of development is taking place. Now, Congress is not questioning the number. Bhai, ye 16,000 jood hai, batao. They have no statistics. They have nothing to challenge the development journey of Prime Minister. They have accepted ki Bharat mein vikas hua hai. Abhi hum vikas ka piche nahi lagunga. We admitted that Modi ji has done lot of development. Bharat ka logo ko vikas ka baat agar chhod dijiye, hame aur kya sahi hai? Hame to kuch sahi hai bhi nahi. Hame to vikas hi sahi hai. So Prime Minister has promised vikas. And बहुत बड़ा विकास मैं तो मानता हूं कि ये 10 साल में जो हुआ है ये तो खाली एक थिएटर का पहले थोड़ा दूसरा फिल्म का क्लिप वगैरह निकालता है ना ही है पिक्चर हमें तो पिक्सर मेन पिक्सर अभी बाकी है वी आर येट टू सी द बेस्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर वेल थैंक यू Revantada आई हैव रियली एंजॉयड द सेशन यू हैव इनविगरेटेड द क्राउड एंड आई विश यू गुड हेल्थ And tomorrow, Prime Minister is coming. You're receiving him. He's going straight there to make the preparations for the Prime Minister's visit. That you took the time, despite the so much work. Thank you very much. Thank you. Assam ka representative hai. Aapka yahan pe to aana hi hai. Thank you, Revantada.